पूर्ण जानकारी फेसबुक पर डली हुई है। अब कितने व्यवहार अपना अपना पूर्ण परिचय अपने पूर्वजों को दे चुका हूं। हां यदि किसी में दम है, मेरे पास लिखित प्रमाण है, तांबे के पत्र पर लिखा हुआ है, हमारे श्री हाथीवान महाराज के पिताजी का नाम बता दें और मेरे पास उपलब्ध है। और ऐसा नहीं, गजेटियर में उल्लेख है। इतना ही नहीं, दतिया रियासत के वर्तमान जो वंश है दतिया रियासत का, उनकी स्टोरी में लिखा हुआ है। अब तथाकथित तो लोगों ने सुन लिया कि राजा पीरू, तो राजा पीरू उस जमाने में एक पीलवान हाथी को बोलते हैं, हाथी का दूसरा जो नाम है उसको पील कहते हैं, पीलवान हाथी को हांकने वाला, उसी के नाम से अपभ्रंश पीरू बना। तो कई लोग उनको अलग अलग तरीके से नाम मानते हैं और अलग अलग तरीके से लोग भक्त जैसे पूजा करते हैं। वो जाति के मुस्लिम नहीं है, कई लोगों ने अलग अलग कदम दिया, उनके हवा अलग तरीके के बनाया। मैं हजार बार बोल चुका हूं कि समाधि वाले महाराज उनके अग्नि से प्रकट, उनके द्वारे से है, अग्नि से है। हाथीवान महाराज के सगे भाई ब्राह्मण है, जिनको परितराज कहते हैं, ब्रह्म परित कहते हैं। और ये पांच भाई है, चार भाई सभी लोग जानते हैं, पांचवें भाई का पत्थर उल्टा लगा हुआ है बराधाम में, उनका वो नाम बता दीजिए, पांचवें भाई का ही नाम बता दो। चार भाई विख्यात हैं, हाथीवान महाराज, परित महाराज, सिद्ध महाराज और हिंगोटा वाले महाराज, जो नांग सिद्ध योनि में है, ये सब उनके डाले के अंतर्गत आते हैं। परंतु मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज रामानंदी हैं, सनातनी हैं, ईश्वरवादी हैं, हनुमान जी उनके हाथी पर पीलवान के रूप में हाथी को हांकने वाले, हाथ में ध्वज लेकर के जैसे कि अर्जुन के साथ पताका पर विराजमान है बांके बिहारी द्वारकाधीश रथ हांकते हैं, ऐसे ही उनके पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज के श्री हनुमंतलाल जी महाराज, हनुमान जी महाराज हाथी निवास के सहायक रक्षक हैं, क्योंकि गुरु ही शिष्य की रक्षा करता है और शिष्य ही गुरु के नाम को स्थापित रखता है। इसलिए आपने देखा हो परम पूज्य सद्गुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज के हाथी पर हनुमान जी महाराज विराजमान है। ये द्वितीया रियासत में जाकर के लाइब्रेरी में जाकर के वहां करके संग्रह का जो पुरातत्व विभाग के जो संग्रहालय है उसमें जाकर के वो मूर्तियों को देखा जा सकता है, वो चित्रों को देखे जा सकते हैं। तथाकथित दिव्य ज्ञानियों से मैं कहना चाहता हूं, अभी तुम्हें ढंग से अपने दादा के दादा का नाम नहीं है पता, जो कि मैंने बताया तब से तुमने अपने दादा का नाम पहचानना चालू किया। मैंने बताया उसके पहले जानते भी नहीं थे बेटा, तुम्हें बताया, तुम्हारे परिजनों को बताया, तुम्हारे मंच पर बताया। यदि तुम्हें दम है तो इस बात को पकड़ करके बात कर लीजिए, बहुत बड़े मुद्दे उठाते हो, एक एक मुद्दा ये उठा के देख लो। जैसे खोलते हुए दूध में जो भी जाता है ना, ऐसा ही पता भी नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी विद्या कहां चली गई, ईश्वर जाने। साथी मैं किसी भी सनातन धर्म के साधकों को, किसी मंत्र पराशक्ति के दिव्य ज्ञानियों को या उस पर चलने वाले विद्यार्थी आचार्यों के द्वारा कृपा पात्र साधकों, जो पराशक्ति सात्विक धर्म पंथ का पत्ता का लहराने वालों पर, किसी पर मेरा क्वेश्चन मार्क नहीं है। उनके साथ में गुरु शरण कदम में कदम मिला के चलेगा, बस इतना सा है कि अपने दाएं बाएं बगल में झांक के जरूर चलो, कोई फर्जी व्यक्ति तो नहीं है जिससे हमारे पूर्वजों का नाम, संतों का नाम, गुरुओं का नाम, योगियों का नाम और पराशक्ति का नाम खराब ना हो। बस इतनी सी बात का हमारा क्वेश्चन मार्क है, बाकी के तो हम भी तो किसी के शिष्य हैं, हम क्या भगवान है, क्या मैं योगी हूं? हमने भी किसी ना किसी गुरु के, सदगुरु की कृपा से जूठन प्राप्त हुआ है, रज प्राप्त हुई है, उसी का दिव्य प्रसाद आप लोग ले रहे हैं। मैं अपने आप को कोई त्रिकालदर्शी नहीं मानता, मैंने कभी नहीं माना, छत्तीसगढ़ में मुझे ये उपाधि प्राप्त हुई, संतों ने दी है, वहां के महामहिम शेखर दत्त जी के द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त है, वहां की वर्तमान उस दौरान की वर्तमान स्थिति में जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा आमंत्रित उस कल्प राज कुंभ में वहां के शासन प्रशासन साधु संतों ने यह मान्यता देकर के पंडोकर धाम की पीठ का गौरव और मान बढ़ाया। लेकिन जो मानते हैं कि त्रिकालदर्शी है, तो यह बात मैं भी कहता हूं कि मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूं, भगवान शंकर त्रिकालदर्शी है और त्रिकालदर्शी का पुत्र
त्रिकालदर्शी होता है वह हनुमान लला है, शंकर शम केशरी नंदन, पिता के समान ही पुत्र होता है। वैसे तो भगवान शंकर ही त्रिनेत्रधारी है, बाकी सब लोग दूरगामी विद्या को जानते हैं, दूरगामी सोच रखते हैं, दुनिया के आसमान के अंतिम स्थान तक को नापने की क्षमता रखते हैं कविगण, योगी संतजन। जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूर्य की और चंद्रमा की जो दूरी बालपन में सूर्य भगवान की दूरी को अंकित कर दिया हनुमान चालीसा में, जो आज के विज्ञानों ने किन्हें आज भी सटीक उसी के अंतरकाल में ही उसी अवधि में स्वीकार किया कि हाँ इतनी ही दूरी पर अनुमानित है। ये 450 साल पहले हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, शिव पुराण में एक लिखे आया है, जो कि हमारे वेद व्यास जी के द्वारा उसमें जो विभाजन किया गया शिव पुराण में लिखा है, देवी पुराण के अंतर्गत आने वाले कई पुराणों में ये चर्चा आई है। तो ये भैया हमारा सनातन खोखला नहीं है, सनातन किसी न किसी पर आधारित है और पराशक्ति उससे ही स्थापित है, उसी आधार पर आप लोग तीर्थों में ढक्की लगा रहे हो। अस्पताल में क्यों जाते हो, वो किसी न किसी पद्धति से आधारित है कि नहीं, लोग मानते कि इसके विशेषज्ञ डॉक्टरगण, तो आप लोग वहां जाकर के इलाज कराते हैं, कराते हो, पता लग जाएगा आज यहां पर नेत्र विशेषज्ञ आए तो भीड़ लगा लेते हैं नेत्र नेत्र वाले, ऐसे ही पता लग जाएगा कि पंडों का सगा का दरबार लगा हुआ है तो दुखारी लोग, परमात्मा का दर्शन करने वाले, साधु संतों की महिमा का दर्शन करने वाले, आशीर्वाद लेने वाले और कष्ट में रहने वाले भक्त लोग भी आशीर्वाद लेने के लिए बढ़ जाते हैं। हमारी भारत भूमि पर ही तो एक ऐसी मान्यता है, कहीं भी पता लग जाए कि साधु संत आए तो, अब भलाई कुछ लोगों के कारण दुष्प्रचार के कारण एक समय ऐसा आया था कि कुछ समय में लग रहा था कि ये सब पाखंड है, लेकिन 21वीं सदी लगी, युवाओं का खिंचाव तीर्थों की ओर हो गया, यज्ञ भागवत की तरफ हो गया, कथा वार्ताओं की तरफ मन हो गया, साधु संतों के चरणों में उनका मन पहुंच गया और अब तो सात शरीर भी बड़े बड़े दरबार, देखिए यहां लगाइए, देखो यहां घूम के, यहां जितने लोग बैठे हैं इसमें जितनी भी संख्या है उसके 3% 4% में वृद्ध लोग बैठे हैं और बाकी सब युवाएं माता बेटे बेटियां बैठी हैं, देखिए प्रमाण है इसका। और आज का पढ़ा लिखा युवक का वर्ग का व्यक्ति उस दुनिया का व्यक्ति बैठा है, नहीं तो यही बच्चे कहते थे आज से 10 साल 15 साल पहले, अरे पिताजी अरे माताजी तुम तो पागल हो गए, बाबाओं की चक्कर में सब दान दक्षिणा लुटा देते हो, सब गड़बड़ है, सब पाखंड है। आप भाई साहब आप लोग लुटा रहे तो आप क्या कहोगे, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग चिंता करना बंद कर दिए, जान गए कि हमारे बच्चों के अंदर पराशक्ति के प्रति, इष्ट के प्रति, पूर्वजों के प्रति, देवों के प्रति, संतों के प्रति, ज्ञान के प्रति, विज्ञान के प्रति, धर्म के प्रति, गरीब के प्रति, दुखारी के प्रति उनकी आत्मा जागृत हो गई और सत्य ज्ञान का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। पूर्वज लोग भी स्वतंत्र हो गए, अभी हमने देखा आज से 5 से 10 साल बाद कोई बहुत बड़ी उम्र के नहीं है, हम भी आप ही की उम्र के, हमें कैसे लग रहा है आपके मैं कहीं बाबा हूं, कई लोग तो हमसे छोटे बैठे हैं, कई लोग हमसे बहुत बड़े बैठे हैं। मेरा 1583 का जन्म है और 32 साल से ज्यादा हो गए दरबार में बैठते बैठते, सन 1999 में 7 दिसंबर से लेकर के 24 साल तो ऐसे ही हो गई कि नहीं हुई, कितनी हुई भैया, 1999 को 7 दिसंबर को मैं गद्दी पर बैठा तो कितनी वर्ष हुई, आदमी 6 महीने का एक्सपीरियंस मांगता है कंपनी का, किस कंपनी में काम किया एक्सपीरियंस बताओ, और वहां की आप जो पे स्लिप है, चेक जो आपको मिला है, ड्राफ्ट कुछ भी मिला है, भुगतान जिससे हुआ है वो दिखाओ और हमसे 2 रुपया ज्यादा में नौकरी माया करो। हमारे पास भाई साहब 24 साल तो ये हो गए, 32 साल से घूम रहा हूं इस पागल इस दिमाग में, खाली नहीं है पूरा डाटा फुल चल रहा है, और फिर वो आदमी हमारे वही डाटा में से हमी से बात करे तो दिमाग हटा दो, जो डाटा में लोड कर रखा है अच्छा बुरा सब, और उसी का एक सैंपल तुम मुझे दिखा रहे हो, वो बचपन में छोड़ दिए, जितना भी रुद्रास मंगाना, रसगुल्ला मंगाना, समोसा मंगाना, दाढ़ी रखा लेना, कमलगटा और रुद्रास की माला पहन करके बाबा बन जाना, हमने बचपन के खेल खेल में खत्म कर दो, मिटार के रख दो अलग, क्योंकि पाखंड पाखंड होता है, सत्य सत्य होता है। कई बाबा लोग तुमसे डरते क्योंकि अर्जी आ गया फटा, अब जी पूर्ण खोल दे कि हमारे तो ये तो करेक्टरलेस बाबा है, सत्य यह है महाराज जी आपसे कह रहे हैं, दाढ़ी से कुछ नहीं होता,
पीले वस्त्रों से कुछ नहीं होता। यदि आपका मन पवित्र है और मन आपका रंगीला है तो उसी विषय के आप रंगीले सदस्य हैं। आवरण पहनने से कोई साधु होता है? या ये कहो कि शादी हो गई तो तुम साधु नहीं हो। अरे बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने शादी की, शादी कर लो। यदि प्यार हो गया तो शादी कर लो, लेकिन ऐसा मत करो जिससे साधु संतों का नाम खराब ना हो। मैं साधु संतों के चरणों की रज हमारी परिवार पर प्राप्त है। ये दास सदा सदा भारत की भूमि के वो तीर्थों के चलने फिरने वाले भ्रमण करने वाले तप योगी साधुओं के चरणों के रज का ऋणी रहेगा। जिनकी कृपा से, इनके योग बल से आज इस परिवार में मेरा जन्म हुआ और मुझे इतना अच्छा आनंद मिल रहा है। लोग चौथी फैल व्यक्ति हूं, आईएसआई पे धक्के खा रहे, दो थ्री स्टार वाले बैठे सामने सुन रहे। ये हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे पूज्य गुरुदेव की कृपा और साधु संतों का आशीर्वाद। लोग मेरी एक एक बात को मानते हैं, हमारे अनुसार चलते हैं। तो भाई साहब ये बात सत्य है कि कुछ लोग ऐसे सनातन धर्म के बीच में, सनातन धर्म का वोट लेकर के ऐसे जादूगर टाइप के लोग आ गए हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, रिक्त स्थान भरो, पर्चा बनाओ, चाहे मरो चाहे जियो, पकड़े गए तो भाई